हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर सेकंड में, जिसमें हमने इससे पहले कवर करा हुआ है यूनिट नंबर वन और यूनिट नंबर टू के ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम उनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो एम मॉरिस मेनो में लिखे हुए हैं या मॉरिस मेनो किताब में दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि रिड्यूस द एक्सप्रेशन। बाकी एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको नोट जो है वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको समझने में तो आप एक टैब पे अपना वो एक पर्टिकुलर नोट्स का सेक्शन खोल के आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द एक्सप्रेशन एफ इक्वल्स टू सिग्मा एम 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू यर एस फंक्शन डिफाइन है यूजिंग के मैप्स एंड इम्प्लीमेंट द रियल मिनिमल एक्सप्रेशन यूजिंग नाइन लॉजिक। तो बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है इस एफ से, आपको क्या करना है के मैप बनाना है, और के मैप से जो भी आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे उस एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है कि उसे किससे इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ नाइन गेट से या नाइन लॉजिक से उसे इंप्लीमेंट करना है। हमें पता है कि ये फोर वेरिएबल के मैप है, अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा एफ ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन करके देंगे उन्हें, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में जो है वो मेंशन होगा ए बी सी डी चार वेरिएबल का, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डिजिट्स जो हैं यहाँ पे 9 दो बार रिपीट करिए, रिपीट मत करिएगा 9, 10, 12, 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थ्री वेरिएबल के मैप होता है वो तो कहाँ तक जाता है, 7 तक जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और ये वाला हमारा 15 तक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हमारा फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है इंप्लीमेंट द रियल मिनिमल एक्सप्रेशन यूजिंग नाइन लॉजिक। आप क्या करेंगे, तो हम पहले चार वेरिएबल के मैप बनाएंगे, और चार वेरिएबल की के मैप में कितने सेल्स हो जाएंगे, फोर एक रो में है और फोर वैसे हैं, तो कितने हो गए 16 सेल्स हो गए। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे फिल करना, तो 0, 1, 2, 3 पर भरा हुआ है, तो 0, 1, 2, 3 पे 1 है। ठीक है, 4, 5, 6, 7। अभी अगर ये फिलिंग नहीं पता, के मैप नहीं पता, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4 में आप जो है के मैप का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा के मैप होता क्या है, के मैप में कैसे फिलिंग ऑफ सेल्स होती है, के मैप कैसे बनता है। तो वहाँ से बिल्कुल बेसिक जो है वो फर्स्ट ईयर में कवर है उधर। ठीक है, तो वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं। बाकी अभी तो हम सीधे सीधे लेके चलेंगे, एंड एज्यूमिंग दैट आपको के मैप पता है क्योंकि आप अब सेकंड ईयर में हैं। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब देखिए 0, 1, 2, 3 पे 1 है, उसके बाद 4 पे नहीं है, 5 पे है, 6 पे नहीं है, 7 पे है, 8, 9 पे है, 10 पे है, क्योंकि जो जो मेंशन डिजिट्स हैं उन सब पे लिए हमने ले लिया 11, 12, 13, 14। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्लियर है, तो 12 और 13 पे हमने फिल कर दिया। जो आप फिल कर देंगे, अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, एक क्वाड इधर भी बन रहा है, और एक क्वाड ये बन रहा है, और एक क्वाड ये वाला बन रहा है कॉर्नर्स वाला। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम अगर इसको पढ़ें तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। मैंने सबको नाम दे दिया। अब जब मैं Q1 के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो देखिए Q1 के लिए कैसे लिखा जाएगा, Q1 है क्या, मैंने Q1 नाम दिया है इस वाले को। ठीक है, इस वाले को, ये जो कॉर्नर्स पे बन रहा है, तो Q1 के लिए क्या नाम हो जाएगा, तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले रो में, इन दोनों रोज में क्या कॉमन है, क्योंकि कॉर्नर का है, तो ये लास्ट वाला जीरो कॉमन, लास्ट वाला जीरो दिखा रहा है बी बार को, तो बी बार आ जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, ये जीरो और ये 1, 0, दैट इज बाद वाला जीरो कॉमन है, बाद वाला जीरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी बार को, तो डी बार लिख दिया। सिमिलरली Q2 के लिए भी आप इसी तरीके से लिखेंगे कि भाई रो में क्या क्या कॉमन है, तो पहला वाला जीरो कॉमन है, और कॉलम में हमारे पास बाद वाला 1 कॉमन है, तो बाद वाले 1 के लिए D और पहले वाले जीरो के लिए A बार। ठीक है, तो वो A बार D आ गया। इस तरीके से आपको Q3 Q4 के लिए भी लिख देना है। क्लियर है, बाकी मैंने मेंशन कर रखा है कि मैंने Q3 इसको माना है और Q4 मैंने इसको माना हुआ है। क्लियर है, जो आप इसे वो करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये तो एक हो गया इसका आंसर। अब क्या करते हैं, अब हमें इसे NAND लॉजिक से इंप्लीमेंट करना है, और NAND में क्या होता है, सारे के सारे डॉट आते हैं, प्लस का साइन नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, इस प्लस के साइन को कन्वर्ट करना है डॉट में। तो हम क्या करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ हमेशा इस्तेमाल होगा जब आप प्लस से डॉट में जा रहे हैं या डॉट से प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि एफ इक्वल्स टू एफ डबल बार, और इसको अगर आपने अपने DSTL सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, तो वो भी हमारे जो है कंटेंट कवर हो रहा है DSTL का, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इसे कहते हैं इन्वोल्यूशन लॉ, वहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू एफ डबल बार हो गया, तो अब डबल बार जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आपके पास क्या देखने के लिए मिलेगा, बी बार डी बार पूरा का पूरा वे एक्सप्रेशन। अब जब आप ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमने ब्रेक करा साइन लाइन को और साइन को चेंज कर दिया, ब्रेक करा लाइन को साइन को चेंज कर दिया, ब्रेक करा लाइन को साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया। अब देखिए सारे डॉट्स कनेक्टेड है, अब कुछ नहीं करना है, इसका जो लॉजिक डायग्राम वो बहुत सिंपल सा बनेगा, ए बी सी डी आपको चार पिन्स निकाल देनी है, उसके नॉट गेट्स निकाल दीजिएगा। क्लियर है, एज सून एज आपने ये निकाल दिया आपको क्या करना है, सबसे पहले बी बार डी बार, तो देखिए ये बी बी आ गया, बी ये आ गया बी बार। अब देखिए यहाँ पे क्या करा गया, हम डायरेक्टली बी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट का एक्सप्रेशन तो हम लेंगे ही नहीं।
ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे नॉट बनाया है, नॉट आप यहाँ पे नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे किससे करना है, नैंड लॉजिक से करना है। तो यहाँ पे ये जो नॉट की पिंस है, वो नॉट की पिंस आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दी थी कि मतलब इस तरीके से जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट एक लाइन बना के आ रहे हैं और उससे आपको डायरेक्टली क्या बनाना है, नॉट गेट बनाना है, और नॉट गेट नैंड से कैसे बनता है इस तरीके से। अब अगर ये नहीं पता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक गेट का कैसे होता है यूनिवर्सल गेट से, क्योंकि नैंड क्या है यूनिवर्सल गेट और नॉट एंड और ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं यूनिवर्सल गेट से, तो ये भी हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या, ये कैसे हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी का पिन निकालेंगे और बी बार बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। सिमिलरली आपको क्या चाहिए, डी बार, तो डी से निकाला और डी का बार कर दिया, और फिर उसका क्या चाहिए हमें, बी बार डी बार मिल गया, डॉट चाहिए और फिर एंड चाहिए, तो हमें फिर से नैंड गेट लगा देना है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा बी बार डी बार के लिए। इसी तरीके से ए बार डी के लिए करेंगे, तो ए बार डी के लिए ये पूरे पे बार है, ठीक है। ये जो बार है ये हमारा पूरे पे बार है, ये सिर्फ इस पे नहीं है, ठीक है। ये सब पूरे के ऊपर बार होगा क्योंकि ब्रेक द लाइन में सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा ना, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप ए बार डी के लिए भी निकालेंगे, ए बार बी बार के लिए भी कनेक्ट करेंगे पिंस को, और ए सी बार के लिए भी कनेक्ट करेंगे। फिर लास्ट में क्या चाहिए, सबका डॉट चाहिए, तो सबको फिर से हम एंड कर देंगे, ठीक है। और इस समय क्या मिल जाएगा, एफ यू वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जो था हमारा रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन यूजिंग द के मैप, एंड उसको आपने नैंड लॉजिक से इंप्लीमेंट कर देना है, नैंड लॉजिक से इंप्लीमेंट कर देना है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे कहा जाता है नॉर लॉजिक से इंप्लीमेंट करना है, तब आप कैसे करते, तब आपने यहाँ तक तो कर दिया था पहली बार में, ब्रेक द लाइन तो करना पड़ता, क्योंकि मैं देखो नॉर में क्या होता है, सारे के सारे प्लस में होने चाहिए, तो बीच में डॉट आ रहा था तो इनको प्लस में कन्वर्ट करना था। एक बार और यहाँ पे ब्रेक करते तो यहाँ पे प्लस आ जाता, फिर ब्रेक करते तो यहाँ पे प्लस आता, फिर ब्रेक करते तो यहाँ पे प्लस आता, और फिर ये ब्रेक करते तो यहाँ पे प्लस आता, और एक बार लास्ट वाले इसको और ब्रेक कर देते तो यहाँ पे डॉट की जगह क्या बन जाता, प्लस, तो सब के सब प्लस में हो जाते, क्लियर हो गया। तो ये हमारा लॉजिक होता है यूजिंग द नॉर लॉजिक, तो आप इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते थे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी रख दिया है, सेकंड क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंप्लीमेंटिंग ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग ओनली नैंड गेट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें फुल सबट्रैक्टर को नैंड गेट्स इंप्लीमेंट करना है, और ये एक ट्यूब में आ चुका है सवाल, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक लॉन्ग सोल्यूशन है, मतलब समझाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अभी पहले सिंपल सिंपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इंप्लीमेंटिंग अ फुल एडर विद 2 4 क्रॉस 1 मार्क्स, तो हमें फुल एडर को बनाना है 2 4 क्रॉस 1 मार्क्स। अब फुल एडर क्या होता है ये सब पहले वीडियो में डिस्कस है, 4 क्रॉस 1 मार्क्स क्या होते हैं या मार्क्स क्या होता है वो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। 2 की पावर n, इसमें इनपुट लाइन्स n इनपुट होते हैं, 2 की पावर n, और n सिलेक्शन लाइन होती है मार्क्स में, ठीक है। तो अगर मैं फुल एडर की बात करूँ तो इसमें 3 इनपुट्स हैं, x y z और सम और कैरी हमारे क्या हैं, आउटपुट्स हैं, ठीक है। बाकी इसमें एडिशन मैंने करना, टेबल आपको बनाने आता है। अब आपको क्या करना है, सम के लिए इसका के मैप बनाना है, के मैप जैसे वहाँ बनाया था। अब सबके सिंगल एड बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं 4 क्रॉस 1 के लिए बनाऊंगा, ठीक है, तो 4 क्रॉस 1 के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो समझने वाली यहाँ पे बात ये भी है कि सबसे पहले ये हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है 4 क्रॉस 1 मार्क्स से, और 4 क्रॉस 1 मार्क्स यहाँ पे फुल एडर में कितने हैं, 3 इनपुट वेरिएबल हैं। तो इनपुट वेरिएबल जब मार्क्स के जो अब यहाँ पे 4 है, 4 क्रॉस 1 है, मतलब इनपुट लाइंस कितनी होंगी, 2 इनपुट लाइंस होंगी, और हमारे पास हैं कितने, 3 वेरिएबल हैं। तो जब वेरिएबल जो है इनपुट लाइन से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, उसमें हमें एक को क्या करना पड़ता है, हम क्या करते थे वहाँ पे, जैसे अगर हमारा एक्स वाई है तो हम एक्स वाई को सिलेक्शन ले लेते, जेड को एज ए इनपुट एक्ट कराते थे। तो यहाँ पे भी वही है, हमने एक्स और वाई को हमने क्या ले लिया, सिलेक्शन लाइन ले लिया। अब सिलेक्शन लाइन ले लिया तो मैंने मान लीजिए एक्स को नाम दे दिया S1 और वाई को नाम दे दिया S0, ठीक है। तो अब जो वाई निकलेगा तो वाई मुझे क्या मिलेगा, वो एस मिलेगा। एस क्या है, सम का एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि सम का मेरा की मैप है। तो अब देखो 0 0, अब यहाँ पे पहले सिलेक्शन लाइन की कैसे, जब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस हैं तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 पर क्या सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 0 पर क्या सिलेक्ट हो रहा है, जेड सिलेक्ट हो रहा है, तो जेड आ गया 1, ये जो है यहाँ पे है जेड, ठीक है, तो जेड सिलेक्ट हो रहा है। सिमिलरली 0 1 पे क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला 1, मतलब ये वाला जो है इसके करस्पॉन्डिंग जेड क्या है, जेड बार 0, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया I1। सिमिलरली 1 0 पर क्या सिलेक्ट हो रहा है, 1, ये दैट इज जेड बार, और अगेन 1 1 पे क्या सिलेक्ट हो रहा है, जेड सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको क्या बनाना है, पहला 4 क्रॉस 1 मार्क्स बनाएंगे, S1 S0 आपने सिलेक्शन लाइन दे दी, और मान लीजिए आपने इधर एक्स और वाई बोल दिया, उसे बातें की हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने इसकी पिन निकाल दी है नॉट की, और ये जेड से आपने कनेक्ट कर दिया जो जो इसके रिक्वायरमेंट थे। इसी के नीचे बनाएंगे आप अगला 4 क्रॉस 1 मार्क्स, वो मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है, बट आप बनाएंगे एक ही साथ, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन और ये सब अलग से लिखेंगे। अब आता है कैरी, तो कैरी में आपको पता है इस टाइप की टेबल बनती है, ठीक है, इस टाइप की टेबल बनती है। अब के मैप आप बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज तो बहुत सिंपल सा है कि हम इसमें क्या करते थे, एक सिंगल दो सिंगल या एक पेयर ऐसे कर लेते थे, या ये पेयर और ये पेयर कर लेते थे, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो हम सीधे सिलेक्शन लाइन एक्स और वाई हमने ली हुई है, तो 0 0 पर क्या सिलेक्ट हो रहा है, देखो 0 0 पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जहाँ फील्ड हो, तो हम जेड में कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब 0 आ जाएगा। सिमिलरली 0 1 पे, 0 1 पे देखो ये सिलेक्ट हो रहा है, और जब ये सिलेक्ट होता था जेड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दैट इज जेड, ठीक है। अब 1 1 पे दोनों 1 है, मतलब दोनों में सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें नहीं पता क्या सिलेक्ट होगा, तो हम उसमें 1 दे देते थे, ठीक है। तो 1 1 पे हमने क्या दिया, 1 दे दिया, और 1 0 पर ये 1 है, तो इसके 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, तो जेड आ जाएगा,
ठीक है, तो आई टू में क्या आ गया, जेड आ गया, क्योंकि हमने 1-0 का कॉम्बिनेशन लेके चले। अब इसी तरीके से हमने इधर भी वही करा 4x1 मक्स। अब जहाँ पे आई थ्री था वहाँ पे हमने लॉजिक 1 से कर दिया, यहाँ आई नॉट था हमने लॉजिक 0 कर दिया, और बाकी जो जेड से कनेक्ट हो जाएंगे वो जेड से कनेक्ट हो जाएंगे और वाई कुछ टू एस आउटपुट मिल जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन आएगी ये लाइन आपकी इससे कनेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से ये वाली लाइन, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, इंप्लीमेंटिंग अ फुल एडर विद 2 4x1 मक्स। अगला समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिंग अ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं कि हायर ऑर्डर मक्स से लोअर ऑर्डर मक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उस वीडियो में कवर है। तो यहाँ पे हम एक ब्रीफ उसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 16x1 को हम 8x1, अब 16x1 है तो 2 की पावर n करने पर 16 मिलेगा, मतलब 2 की पावर कितनी करने पर हमें, ये है 2 की पावर 4 करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, 16x1 को नहीं बनाना है, हमें 8x1 को और 2x1 की यूज से हमें 16x1 बनाना है। तो 8x1 में कितनी होती हैं इनपुट लाइंस, 3 होती हैं, ठीक है, 3 होती हैं, और 2x1 में एक इनपुट लाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, 8x1 दो, अगर 8x1 मार्क्स लगाएंगे तो हमारी 16 इनपुट लाइन हो जाएंगी। ऊपर वाले से देखो, ऊपर वाले से हमारे पास 8 इनपुट लाइंस है, नेक्स्ट वाले से हमारे पास 8 इनपुट लाइन, और जब हमारे पास दोनों से 8 इनपुट लाइंस होंगी तो हमारी ये 8 इनपुट लाइंस एक एक आउटपुट देंगी, और एक आउटपुट किस में चले जाएगा, ये 2x1 में, क्योंकि इसमें 2 इनपुट लाइंस हैं और एक आउटपुट है, तो एक आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सिंपल ये था कि 16 को डिवाइड करता मैं 8 से, कितना आता है 8 2 16, और 2 जो है वो फिर 2 से डिवाइड जाता है, 2 1 2, क्लियर है, इस तरीके से। दैट मीन्स कि हमारा एक लेवल में 2 लगेंगे 8x1 के, और 2 के कितने लगेंगे, 1 लगेगा। तो इस तरीके से हमने इंप्लीमेंट कर दिया। और अब एक्सप्रेशन लिख लेंगे, तो अब मान लीजिए जब मैं एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, तो एक्स के लिए देखो फिर वही होगा कि जब s2 s1 s0 की प्रॉबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जब ये 0 0 0 होंगे तो i0 सेलेक्ट होगा, जब ये 0 0 1 होंगे तो i1 सेलेक्ट होगा। तो बस उसी को मैंने लिख दिया, जब 0 0 0 होंगे तो उसको क्या लिखेंगे, s2 bar s1 bar s0 bar i0, ठीक है। अब अगला देखिए, जब ये 0 0 1 होंगे तो s2 bar s1 bar s0 i1 सेलेक्ट हो जाएगा। जब थर्ड आ जाएगा 0 1 0 0 1 0, तो 0 1 0 पर s2 bar s1 bar s0 bar और i2 आ जाएगा, i2 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने सबको नाम दे दिया, i0 से i7 और इधर i8 से लेकर i13 14 15 15 तक नाम दे दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से सबका एक्सप्रेशन लिख देंगे एक्स के लिए। सिमिलरली जब वाई के लिए लिखेंगे तो वाई के लिए क्या लिखेंगे, वही वाला पार्ट कि जब ये सारे 0 हैं तो i8 सेलेक्ट हो जाएगा, जब ये 0 0 1 है तो i9 सेलेक्ट होगा। इस तरीके से सबके रिगार्डिंग आपको वैल्यूज लिख देनी है। अब जब जेड के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब s0 bar होगा तो i0 सेलेक्ट होगा, तो s0 बार पे आप लिखेंगे i0, और यहाँ पे i0 है क्या, i0 का एक्सप्रेशन तो x है, और x क्या है, x ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो एग्जाम में आप ये पूरा एक्सप्रेशन लिख के आएंगे x की जगह, ठीक है। और जब s0 होगा, मतलब जब 1 होगी इसकी वैल्यू, भाई s0 एक वैल्यू के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है, 0 और 1, जब 0 होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, s0 bar i0 सेलेक्ट हो जाएगा, और जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा, s0 into i1, तो s0 पर i1 सेलेक्ट होगा, और i1 आ कहाँ से रहा है, i1 आ रहा है y से, तो y का पूरा एक्सप्रेशन आप इस जगह लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो फ्रॉम अबव यू विल राइट दिस फ्रॉम अबव, ठीक है, तब आपका ये कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंप्लीमेंटिंग द गिवन फंक्शन यूजिंग द 8x1 मक्स 4x1 मक्स 2x1 मक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, AKTU में ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन 8x1 मक्स से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, और 4 वेरिएबल होते हैं तो ये 16x1 से तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन आपको पता है कि जब वेरिएबल्स बढ़ जाएं और मक्स का ऑर्डर कम हो जाए, दैट मीन्स मक्स के इनपुट्स कितने हैं, 3 रह गए हैं, क्योंकि 8 में कितने होते हैं सिलेक्शन लाइन, 3 होती हैं, 3 सिलेक्शन लाइन मतलब 3 इनपुट, और यहाँ पर कितने हैं, 4 ABCD। तो जब इनपुट लाइंस कम हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, एक को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक को इनपुट लेके चलना पड़ेगा। तो हमने कहा यूजिंग ABC एज सिलेक्ट लाइन, हमने ABC को सिलेक्ट करा, और जो D बचा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, D को क्या हो जाएगा, 0 और 1 में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो D बार और D आ जाएगा, और ABC का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। तो बस उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बाकी अगर इस बॉक्स के लिए नंबर लिखूंगा तो इस बॉक्स के लिए क्या लिखा जाएगा, A bar B bar C bar D bar, और इसको क्या लिखेंगे, 0 ए बार बी बार सी बार डी डी, इसको क्या लिखेंगे, 1, इस तरीके से सबके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर अपने लिख दिए। अब देखिए, अब समझने वाली बात, 0 1 3 4 7 10 15 पे सर्कल कर देंगे, तो 0 1 3 4 7 10 15 पर हमने सर्कल कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग देख लो, तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं तो 1 लिखेंगे, जब एक सेलेक्ट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग देख लो डी है तो डी लिख दिया, इसके करस्पॉन्डिंग डी बार है तो डी बार लिख दिया, 7 पर डी सेलेक्ट हो रहा है, 10 पर डी बार, इधर कुछ भी नहीं सिलेक्ट नहीं हो रहा तो इधर 0 आ जाएगा, इधर भी कुछ नहीं सिलेक्ट हो रहा तो 0 आ जाएगा, इधर क्या सिलेक्ट हो रहा है, डी, तो डी आ जाएगा। i0 i1 i2, अब नाम दे दिया इसको i0, इसको नाम दे दिया i1, इसको i2 i3 i4 i5 i6 i7,
क्लियर है। अब 8 क्रॉस 1 मार्क्स बनाएंगे, तो 8 क्रॉस 1 मार्क्स में कितने इनपुट्स हैं, ए बी सी हमने इनपुट लाइंस लिए हैं और डी जो है वो हमारा इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमने जो है आई नॉट पे क्या नहीं बनाना है, हमें 1 बनाना है। तो आई नॉट को हमने लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया, आई 1 किस पे जाएगा डी पर, तो आई 1 को हमने डी से कनेक्ट कर दिया, आई 2 किस पे जाएगा डी बार पे, तो हमने डी बार से कनेक्ट कर दिया। अब बाकी जो बचा 0, तो 0 वाला हमारा जो है डी 4 है, आई 4 है, तो आई 4 हमारा लॉजिक 0 से कनेक्टेड है, सिमिलरली आई 6 भी 0 से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया लॉजिक 0 से। बाकी आई 5 डी बार से कनेक्टेड है और आई 7 डी से कनेक्टेड है, तो आई 7 डी से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया फाइनली आउटपुट एफ ए बी सी डी, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया यूजिंग 8 क्रॉस 1 मार्क्स। तो 8 क्रॉस 1 मार्क्स में हमने क्या करा, तीन इनपुट लाइन थी, तो तीन को इनपुट ले लिया, एक को एज आउटपुट, एक को ऐसे इनपुट ले लिया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 4 क्रॉस 1 मार्क्स से, तो 4 क्रॉस 1 मार्क्स में क्या हो जाएगा, दो हमारी इनपुट लाइंस होती हैं, तो हमने मान लीजिए ए बी को सिलेक्ट कर लिया एज इनपुट लाइंस, ठीक है, या एज सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। तो हमारा सी और डी किसकी तरह काम करेगा, इनपुट लाइंस की तरह। तो अब दो के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी, यही तो कॉम्बिनेशन होंगे, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। इधर भी सी और डी के क्या कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। वही मैंने इसको बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बार और नॉर्मल फॉर्म, क्लियर है। अब देखिए, अब इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं इस बॉक्स का नंबर लिखूंगा जीरो वाले का, तो क्या जाएगा, ए बार बी बार सी बार डी बार, दैट इज 0। इसका क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार डी, जो 0 0 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। ए बार बी बार सी डी बार, तो ये किसका होता है, 2 का 0 0 1 0, और ये किसका हो जाएगा, ए बार बी बार सी डी, दैट इज 0 0 1 1, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। इसके इसी तरीके से आपको सबके लिए लिख देना है वैल्यूज करस्पॉन्डिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या चेक करना था मुझे, 0 1 3 4 7 10 15, तो 0 1 3 4 7 10 15 पे सर्कल कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे तीन सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जो भी सिलेक्ट हो जाएगा, जब तीन सेलेक्ट होंगे तो सबके करस्पॉन्डिंग नेम लिख दो, इसके करस्पॉन्डिंग नेम सी बार डी बार, इसके करस्पॉन्डिंग नेम सी बार डी, इसके करस्पॉन्डिंग नेम सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे सी बार कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो अगर हमारे पास सी बार डी बार है और ये सी बार डी है, तो मैं सी बार को कॉमन ले लूँ, और सी बार को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या मैंने कहा डी बार प्लस डी, तो डी बार प्लस डी क्या हो जाएगा, 1 बूलियन अलजेब्रा के लॉ से, तो सी बार आ जाएगा प्लस सी डी। अब प्लस सी डी में क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्लस सी बार प्लस सी डी, यहाँ पे लग जाएगा एब्जॉर्प्शन लॉ, सी बार प्लस सी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई, ये वाला एक्सप्रेशन इस तरीके से भी तो हो सकता है, ये मैंने साइड में कर दिया, सी बार प्लस सी और C बार प्लस डी, अदरवाइज आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना बन गया, C बार प्लस डी, तो C बार प्लस डी, इसको हमने नाम दे दिया I नॉट। अब इसके लिए लिखेंगे तो 4 और 7 पे क्या आ जाएगा, C बार डी बार, इधर क्या आ जाएगा, सी डी, तो C बार डी बार और ये सी डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी नो एक्स नॉर डी को, ये किसका साइन है, एक्स नॉर डी, ठीक है। इधर देखिए 10 पे क्या सिलेक्ट हो रहा है, सी डी बार, तो सी डी बार डायरेक्टली लिख दिया। 15 पे क्या सिलेक्ट हो रहा है, सी डी, सी डी डायरेक्टली लिख दिया। आई नॉट, आई 1, आई 2, आई 3, अब क्या बनेगा, 4 क्रॉस 1 मार्क्स बनेगा। यहाँ पे दो सिलेक्शन लाइन होगी, ए बी और सी और डी, दो इनपुट्स होंगे, जहाँ पे हमने सी इस तरीके से एक्सप्रेशन सबका दे देना है। तो अब देखिए, मैंने वही करा है कि यहाँ पे 4 क्रॉस 1 मार्क्स बनाया है, आई नॉट, आई 1, आई 2, आई 3 इनपुट्स ले लिए, ए और बी सिलेक्ट लाइन्स हैं। अब सी और डी से हमने पिंस निकाल दिए, तो सी और डी की ओरिंग से हमें क्या मिल रहा था, आई नॉट, सी और डी की एक्स नॉरिंग से क्या मिल रहा था, आई 1, और सी और डी बार के एंड से क्या मिल रहा था हमें, आई 2, और सी और सिर्फ डी और सी के एंड से हमें क्या मिल रहा था, आई 3, तो हमने वो निकाल दिया और लास्ट में लिख दिया एफ ए बी सी डी, ठीक है। जो हमने पिछला लिखा उसके करस्पॉन्डिंग हमने सबको नेमिंग कर दी, मतलब उसका जो है लॉजिक डायग्राम इंप्लीमेंट कर दिया। ये जो होता है वो लॉजिक डायग्राम होता है, क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं यूजिंग 2 क्रॉस 1 मार्क्स। तो 2 क्रॉस 1 मार्क्स में कितनी इनपुट लाइन होती है, कोई भी एक इनपुट लाइन होती है, और हमें पता है कि जब हमारे पास एक इनपुट लाइन होगी कि 2 क्रॉस 1 में कितनी होती है, एक सिलेक्ट लाइन होती है, तो यहाँ पे हमने डी को सिलेक्ट लाइन मान लिया। आप ए को भी मान सकते हैं, बी को भी मान सकते हैं, सी को भी मान सकते हैं, अभी जो भी कॉम्बिनेशन लिए वो आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने डी को सिलेक्ट लाइन ले लिया, तो डी के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, डी बार डी, जिसको सिलेक्ट लाइन लेते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, और जो रह गया उसको इस तरफ। तो आप ए बी सी के क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए बार बी बार सी बार, वही 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे वही है कि हमने किसको सर्कल करना है, 0 1 3 4 7 10 15 पे सर्कल कर दिया, सबके कॉम्बिनेशन इसके करस्पॉन्डिंग लिए। तो आई नॉट में क्या जाएगा, इसको हमने आई नॉट बोल दिया, इसको आई 1, तो आई नॉट पे क्या जाएगा, ए बार बी बार सी बार, तो ए बार बी बार सी बार लिख दिया। इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बार बी बार ए बी सी बार, और इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बी बार सी, तो ए बी बार सी लिख दिया। और सबको अब सॉल्व कर ले, तो यहाँ से देखो ए बार सी बार कॉमन आ जाएगा और बी बार प्लस बी वन बन जाएगा, सिमिलरली ये बन जाएगा ए बी बार सी। अब इसके आगे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब आई 1 के लिए 1 3 7 15 का एक्सप्रेशन लिख दिया, सबका एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है ए बार बी बार, तो कॉमन ले लिया, तो सी प्लस सी बार क्या बन जाएगा, 1। अगेन इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है बी सी, तो ए प्लस ए बार बन जाएगा 1, तो बी सी आ गया। ये आई 1 का एक्सप्रेशन हो गया, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ए बी सी इनपुट की तरह काम करेंगे, ठीक है, और ये हमारा आई नॉट आई 1 का इनपुट आएगा, डी हमारी सिलेक्ट लाइन है, और ए बी सी से हमने क्या बनाया, पहले क्या हुआ, ए बार सी बार, तो ए बार सी बार कर दिया, एंडिंग कर दी। उसके बाद क्या है, ए बी बार सी, तो ए लिखा, बी बार निकाला, सी निकाला, इसकी एंडिंग करी, और इसके बाद सबको दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड में क्या होता है, ओरिंग हो जाती है, तो ओरिंग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये इस तरीके से आई नॉट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिमिलरली जब इधर आएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए बार और ये क्या है, बी, तो ए बार बी, ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी बार हमसे हमें ये मिल गया एंडिंग इसकी। इसके बाद बी
और सी से हमें इसकी एंडिंग मिल गई, और इसके बाद ये किस में एडिशन हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन में क्या करेंगे, और का गेट इस्तेमाल करके आई वन पे पास कर देंगे, और ये टू क्रॉस होना है तो इसमें दो इनपुट्स हो गए और ये एक आउटपुट हो गया एफ ए बी सी डी। तो इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया कोई भी फंक्शन को किसी भी ऑर्डर मैक्स से, क्लियर है। अगर ये 16 क्रॉस वन होता तो ये बिल्कुल ही सिंपल था, लॉजिक वन से या लॉजिक जीरो से डायरेक्टली कनेक्ट करना होता और सिंपल हो जाता हमारा ये, ठीक है। इस तरीके का मैंने क्वेश्चन जो है अपने पिछली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर है ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 2 to 4 लाइन डिकोडर विद ओनली नॉर गेट, सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट्स हमें करना है ये सॉल्व, ठीक है। इससे पहले हमने करा था 2 x 4 लाइन डिकोडर विद ओनली नैंड गेट्स, ठीक है। वो हमारा इससे पहले वाले वीडियो में कवर है जहाँ पर हमने डिकोडर सीखा था, इंक्लूड इन इनेबल इनपुट। तो हमने इनेबल इनपुट इंक्लूड कर लिया, तो हमने कहा जब इनेबल वन है तो ए बी के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सब डी वन डी टू डी थ्री डी फोर सब हाई हो जाएंगे, लेकिन जब इनेबल जीरो है तो ए बी का कॉम्बिनेशन चलेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 जब जीरो है इनेबल, ठीक है। तो जब जीरो जीरो है तो हमारा डी वन जो है वो जीरो जा रहा है, जब जीरो वन है तो डी टू हमारा जीरो जा रहा है, जब वन जीरो है तो D3 हमारा 0 हो जाता है, 1 1 है तो हमारा D4 जो है वो 0 हो जा रहा है, बाकी सब हाई रह रहे हैं, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको बना देना है, तो आपको पता है क्या बनेगा एक्सप्रेशन, तो E से ये निकाला, अब E निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली E बार ही निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपने ये लाइन भी इस तरीके से बना दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नैंड गेट का नॉर गेट का इस्तेमाल होगा, तो नॉर गेट में आपको पता है नॉट कैसे निकालते हैं, ठीक है। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एंड और नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट्स, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कवर है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर नहीं पता आपको। तो सिमिलरली ए बार इस तरीके से निकालेंगे, बी बार भी इस तरीके से निकालेंगे। जब निकालेंगे तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले आउटपुट में ई बार ए बार बी बार इन तीनों का एंडिंग हो रही है एक तरीके से, और एंडिंग को हम क्या करेंगे यहाँ पे ओरिंग कर देंगे, और ओरिंग करने के बाद उसका नॉर लगा देंगे, दैट इज बबल लगा देंगे। तो बबल करने पर क्या बन गया, ये नॉर गेट बन गया, और नॉर गेट से मिला क्या ए बार बी बार ई बार, जैसे हमने उधर इंप्लीमेंट करा था वैसे इंप्लीमेंटेशन होगा। सिमिलरली आपको बाकी के एक्सप्रेशन के लिए भी लिखना है ई बार ए बार बी, तो वही करा है हमने, ई बार ए बार और बी को यहीं से निकाला, ठीक है। जहाँ पे भी आप निकालेंगे तो उसको आप पिन को जरूर कनेक्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ए बार प्लस बी प्लस ई बार इक्वल्स टू ए बार बी ई बार, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट का साइन तोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट बी डॉट ई बार, क्लियर है। इस तरीके से तो होगा, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सिंपल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ 5 x 3 32 डिकोडर विद 4 3 x 8 डिकोडर विद इनेबल एंड 1 2 x 4 डिकोडर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकेटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 x 32 डिकोडर को हमें बनाना है 4 3 x 8 के डिकोडर से, और 1 2 x 4 का डिकोडर इस्तेमाल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 3 x 8 के 4 डिकोडर ले ले रहे हैं पहले, ठीक है, और हमने क्या करा, 1 2 x 4 का चाहिए, मतलब हमने A3 और A4 मान लीजिए इनपुट्स ले लिए 2 x 4 में, क्योंकि इसमें 2 इनपुट्स होंगे, 4 आउटपुट निकलेंगे, चारों के चारों आउटपुट हमारे किस पे जाएंगे, 3 x 8 पे जाएंगे, ठीक है। और 5 x 32 है, तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल गया कि 5 x 3 3 x 8 डिकोडर से हमारे 8 इनपुट्स इधर निकलेंगे, 8 इधर 8 इधर 8 इधर, तो 8 4 जा कितना हो गया 32 तो ये हो गए, और 5 इनपुट्स चाहिए तो A3 और A4 के 2 तो इधर हो गए, ठीक है, बाकी इधर से। अब A0 A1 A2 ये हमारे इस 3 x 8 में भी तो जाएंगे, तो इस 3 x 8 में यहाँ से जो गया वो तो इनेबल की तरह काम करेगा, ये कौन किसको कब इनेबल कर रहा है। सिमिलरली ये 2 x 4 से जो है यहाँ पे गया वो इनेबल की तरह काम कर रहा है, और 3 x 8 में कितने इनेबल, कितने हमें इनपुट्स चाहिए, A0 A1 A2 3 इनपुट्स चाहिए, तो A0 A1 A2 हमने यहाँ से पिन दे दी, तो एक तरीके से 5 इनपुट्स हो गए और हमारे 32 जो है हमें आउटपुट मिल गए। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, 5 x 32 जो है वो हमारा 4 3 x 8 डिकोडर से बना, और हमारा क्या बना, विद 1 इनेबल 2 x 4 डिकोडर से बन गया, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ से जो पिन गई है वो इनेबल की तरह काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन, रियलाइज द बुलियन एक्स फंक्शन फॉर द गिवन फिगर। अब इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है कि अगर हमें ए वी की बात करिए तो पहले हमें सिलेक्शन लाइन का वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो S1 S0 निकालो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पर क्या सिलेक्ट हो जाएगा I0 01 पर I1 10 पर I2 और 11 पर I3 सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए, अब I0 के लिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तो I0 के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है C, तो डायरेक्टली हम लिखेगा, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे कि अब अच्छा यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे अब जब I0 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे थोड़ी लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा S1 बार S0 बार, यही तो लिखूंगा S1 बार S0 बार, लेकिन यहाँ पे S1 S0 है क्या, A और B है, तो मैं लिखूंगा A, यहाँ पे ये बार नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बार नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास A बार B बार, यहाँ से A बार B बार, और क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला I0, I0 है क्या C, तो A बार B बार C, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़े I1 पे, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा A बार B, और यहाँ से क्या आ रहा है D, तो A बार B बार D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं I2 पे, तो I2 देखियो, I2 समझने वाली चीज़ है, यहाँ से ये आ रहा है सी बार, और यहाँ से क्या आ रहा है D, तो सी बार और D का वो हुआ डॉट, तो सी बार और डी का देखो डॉट हुआ होगा, तो मैंने लिख दिया सी बार डॉट डी, और बाकी इस पे क्या आ रहा है A और B बार, तो A और B बार पे I2 सेट होगा, ये मैंने I2 का एक्सप्रेशन लिख दिया। इसके बाद I3 के लिए यहाँ से क्या आ रहा है, सी बार आ रहा है, तो सी बार दैट इज़ हमें क्या हो रहा है 1 1 पे A B C बार, तो A B C बार लिख दिया। बाकी सिंपल सॉल्विंग करी है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, बाकी सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो इसको ऐसी लिखा, इसको ऐसी लिखा। इसके बाद यहाँ से हमने क्या करा, A C बार को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया B बार D प्लस B, और यहाँ से देखो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा, या आप ऐसे डायरेक्टली लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव B प्लस B बार प्लस B प्लस D,
ठीक है, तो बी प्लस डी बचेगा, बी प्लस बी बार वन बन जाएगा, तो ये बन गया बी प्लस डी, और बाकी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, बाकी ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इस फंक्शन का। क्लियर है? तो आई होप आपको इस चीज क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अगला है, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द डिकोडर और द डीमक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन की आपने नेमिंग दी हुई है 1, 3, 5, 6, 11, 14, 15, ठीक है, ये हमारे पास। तो आपको क्या करना है, इसे डिकोडर या डीमक्स से रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है सिग्मा के एक्सप्रेशन डिकोडर में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, अब आपको डिकोडर से करना था, तो इसमें हम डिकोडर से ही करेंगे, डीमक्स से नहीं करा है, ठीक है। तो आप डिकोडर को याद रखिएगा, बाकी डीमक्स होता कुछ नहीं, जो मक्स है तो मक्स का जस्ट अपोजिट होता है, जैसे 4x1 मक्स है तो 1:4 या 1x4 जो है मक्स होगा, जिसमें हमारा एक जो है इनपुट होगा और 4 हमें आउटपुट मिल जाएंगे। क्लियर है? तो एफ इक्वल्स टू सिग्मा एम 1, 3, 5, 6, 11, 14, 15 पिंस को हम क्या कर देंगे, ओरिंग कर देंगे, क्योंकि सिग्मा में क्या होता है ओरिंग। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम कौन से डिकोडर का यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली 4x16 डिकोडर का इस्तेमाल करा है, 3x8 का इस्तेमाल नहीं करा है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि भाई हम इसको इजीली तब कर पाएंगे क्योंकि एबीसीडी हमारे पास इनपुट वेरिएबल हो जाएंगे। भाई 15 तक कब जाता है एबीसीडी वाले में, तो हमने कहा एफ ब्रैकेट में एबीसीडी से 4 इनपुट्स हो जाएंगे, और 4x16 डिकोडर है तो 4x16 डिकोडर से हमने इसे इंप्लीमेंट कर दिया। और इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करा, हमने सबकी सारी पिंस निकाली, और पिंस निकालने के बाद इससे हमने किसे कनेक्ट कर दिया, और गेट से, क्योंकि और गेट सिग्मा में कन्वर्ट, और गेट सिग्मा में यूज होता है, और अगर ये पाई में होता है एक्सप्रेशन तो एंड गेट इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने इसे डिकोडर से कैसे करा, हमने 4x16 का डिकोडर इस्तेमाल करा है। ध्यान रखिएगा डायमेंशन बहुत जरूरी होती है, तो और ठीक है जो 4x16 में लिख रहा हूँ, और ए बी सी डी मेरे 4 इनपुट्स होगा, 16 इसके आउटपुट्स होंगे, तो 16 मैंने इसके आउटपुट दे दिए 0 से लेकर 15 तक, ठीक है, और बाकी ये हो गया। तो वेयर 4 इनपुट लाइन्स एंड 2 की पावर 4 आर द 16 आउटपुट लाइन, यही तो होता है डिकोडर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ मिन टर्म्स, और सम ऑफ मिन टर्म्स कौन से होते हैं, सिग्मा वाले टर्म्स, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू सिग्मा एम, या हम कह सकते हैं पॉस, ठीक है, पॉस एसओपी फॉर्म, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, 0, 1, 3, 4, 8, 9, 15 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको आपको 8x1 से इंप्लीमेंट करना है, तो अभी हमने देखा कि 8x1 से कैसे इंप्लीमेंट करना है, जब हमारे पास इनपुट वेरिएबल में ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हो जाएं, 4 वेरिएबल हैं और 3 इसके कितने हो जाएंगे, 8x1 में सिलेक्शन लाइन कितनी होती है, 3 होती हैं, तो हमें एक को इनपुट बनाना पड़ेगा। तो जैसे अभी पिछले बार क्वेश्चन करा था हमने, जिसमें हमने क्या करा था 8x1 से 4x1 से 2x1 से करा था, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा हुआ है। तो एज अबव क्वेश्चन में लिख दिया है, इसको आपका होमवर्क रहेगा। अब एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विथ 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन सर्किट को आप डिजाइन करना है विथ 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, द आउटपुट इज इक्वल टू 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन 3 एंड इनपुट इज 0 अदरवाइज। तो एक कॉम्बिनेशन सर्किट आपको डिजाइन करना है जहाँ पे आपका 3 इनपुट था, आपने एक्स वाई जेड 3 इनपुट ले लिए, अब 3 इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 8, तो 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ठीक है, एंड 1 आउटपुट, एक आउटपुट निकलेगा जिसको मैंने नाम दे दिया एफ, द आउटपुट इज इक्वल टू 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन 3। अब यहाँ पे बाइनरी वैल्यू की कितनी वैल्यू है, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कह रहा है कि इनपुट की वैल्यू हाई है, आउटपुट की वैल्यू 1 है व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन 3, जहाँ पे 3 से कम थे वहाँ पे हमने 1, 1, 1 दे दिया एंड आउटपुट इज 0 अदरवाइज, सब जगह 0 दे दिया। अब इससे हम के मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, जहाँ पे हमने एक्स इधर लिख दिया, वाई जेड लिख दिया। अब एफ कहाँ कहाँ पे हाई है, 1, 1, 1 पे, मतलब 0, 0, 0 पर, तो 0, 0, 0 पर हमने कर दिया, 0, 0, 1 पर, 0, 0, 1 पर हमने 1 कर दिया, और 0, 1, 0 पर, 0, 1, 0 पर हमने 1 कर दिया, इस तरीके से इस जगह हाई हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया ड्यू टू फोल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ के मैप। तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, और P1 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे रो में क्या कॉमन है, 0, दैट इज एक्स बार, तो एक्स बार आ गया, और इधर क्या कॉमन है दोनों में, पहला वाला 0, दैट इज वाई बार, तो एक्स बार वाई बार आ गया। P2 के लिए क्या आ जाएगा, P2 के लिए हमारे पास एक्स, अब देखो यहाँ पे ये पूरा कॉमन है, तो एक्स बार, और इन दोनों में क्या कॉमन, बाद वाला 0, दैट इज जेड बार, तो एक्स बार जेड बार। अब ये आपका क्या हो गया, पहला आपने क्या करा, इनपुट से टेबल बनाई, ट्रुथ टेबल, उसके बाद के मैप बनाया, थर्ड स्टेप क्या होता है, लॉजिक डायग्राम, तो आपने लॉजिक डायग्राम बनाना है, एक्स बार वाई बार, डायरेक्टली ले लो आप एक्स बार वाई बार, अदरवाइज आप एक्स को वैसे भी ले सकते हो, नॉट गेट निकाल के वाई बार ले लिया, एंड लगाया, और फिर उसके बाद क्या कर दिया, इसको ओरिंग, इसकी ओरिंग कर दी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एफ हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडिशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एडिशन बोलेंगे, ठीक है, वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया, और ये हमारी हो गई कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन जो हमसे पूछी गई थी। क्लियर है? अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर विद मक्स, ठीक है, 7 सेगमेंट डिकोडर, और ये क्वेश्चन जो है हमारा ये उसमें आता है, एलसीडी डिस्प्ले का एक क्वेश्चन है ये, इस तरीके से आता है, ठीक है, एक टॉपिक है आपके में, ठीक है, एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर, मतलब जो है जिसमें आपको ये कैथोड रे जो है, आपको एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब एक पूरा कैथोड रे के ऊपर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो डिकोडर के हेल्प से पूछा जाता है कि डिकोडर को 7 सेगमेंट डिकोडर को आपको मक्स से डिजाइन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको बीसीडी में इनपुट्स कितने होते हैं, 15 9 तक जाएंगे, तो दैट इज 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, दैट इज एबीसीडी हमने 4 इनपुट्स ले लिए हैं, ठीक है, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 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
01107 के लिए 0111, 8 के लिए 1000 और 9 के लिए 1001, क्योंकि बी सी डी कहाँ तक जाता है,
जीरो से नाइन तक। अब आउटपुट्स देखिए कैसे लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो मुझे आपको समझानी है कि यहाँ पे जो सेगमेंट सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हमने इसकी साइकिल नाम दे दी है ए बी सी डी ई एफ जी। आप कैसे भी नाम दे सकते हैं, आप ए इसको दे सकते हैं, बी इसको दे सकते हैं, ए इसको दे सकते हैं, बी इसको दे सकते हैं, लेकिन एक साइक्लिक ऑर्डर में दीजिएगा तो दैट इज़ फाइन। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे आउटपुट्स इसमें। अब देखिए जीरो को कैसे बनाऊंगा मैं, तो जीरो को इसमें इस तरीके से बनाऊंगा कि बस जी वाला सर मैं जो लाइन है उसे मैं घटा दूं तो ये जीरो रिप्रेजेंट हो गया मेरा, इस तरीके से जीरो रिप्रेजेंट होता है। और जो चीज़ हट गई, जो चीज़ इसमें नहीं दिख रही आपको, उसको जीरो कर देना है। देखो जी वाली इसमें नहीं दिख रहा है तो जी हमने इसमें जीरो कर दिया। देखो कहाँ है जीरो, जी नहीं है इसमें, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। बाकी सब क्या हो गए, हाई हो गए। सिमिलरली जब मैं वन के लिए बात करूँगा तो वन के लिए ये वाले जो है वन, ये वाले जो है ए और बी जो है वो मेरे हाई हैं, बाकी सारे मेरे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखो ए और बी मेरे हाई हो गए, बाकी सारे मेरे क्या हो गए, जीरो। टू के लिए देखिए ई और बी नहीं है, ई और बी नहीं है, तो ई और बी को मैंने जीरो कर दिया, ई और बी मेरे जीरो हैं। ठीक है, बी और ई। अब थ्री के लिए आपका क्या गायब है, एक तो ई गायब है और एक डी गायब है, तो ई और डी को आपने लो कर दिया, बाकी सारे हाई हो गए। इस तरीके से आप सबके लिए बनाएंगे, ये थ्री का है, ये फोर का है, फाइव ऐसे बनेगा, सिक्स ऐसे बनेगा, सेवन ऐसे बनेगा, एट ऐसे बनेगा और नाइन ऐसे बनेगा। आप देखिए एट में तो सब कवर हो गए भाई, एट में तो देखिए सब कवर हो गए, एट में सारी तो कवर हो गए भाई। अगर आप ऊपर से देखें डायग्राम को तो यहाँ पे देखिए एट, ये पूरा एट ही तो बना हुआ है, तो एट में तो सब कवर हो गए, इसलिए देखिए एट में सारे हाई कर दिए मैंने, एट में मैंने क्या कर दिए, सारे हाई कर दिए। तो ये हमारा एट इस तरीके सारे हाई हो गए। नाइन के लिए हमारा ये जो है इधर हमारा वन एक रह जाएगा, तो ये हमारा कौन सा रह गया, डी रह गया, तो हमने डी को जीरो कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा काम है इन्हें के मैप से सिंप्लीफाई करना। तो के मैप से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एम 0 1 2 3 0 1 2 3 4 7 8 9। ये अब ये कैसे नाम दिया मैंने, तो ये भी समझिए। तो देखिए ये नाम जो है मैंने इस तरीके से दिए हैं कि अगर मैं ए को देखूं तो ए के लिए जो मेरा सिग्मा एम है वो किस तरीके से चलेगा। देखिए ए के लिए कौन कौन से हाई हैं, 1 1 1 1 1 और ये तीन बार 1। अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग नेमिंग क्या है, 0 0 0 0, दैट इज 0। इस 1 के लिए 1, इस 1 के लिए 2, इस 1 के लिए 3, इस 1 के लिए 4। इस तरीके से मैंने सबके नाम दे दिए 0 1 2 3 4 7 8 9, जहाँ जहाँ पे ए हाई है। और ए हाई है तो अब मुझे पता है इसे किसे इंप्लीमेंट करना है, 8x1 से। वेरिएबल्स चार हैं ए बी सी डी, इंप्लीमेंट करना है 8x1 से। तो एक को हमने ले लिया इनपुट, एक को हमने ले लिया इनपुट, तो इनपुट ले लिया ए और ए के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, ए बार ए। ठीक है, और बी सी डी को हमने सेलेक्ट लाइन ले दिया, तो आप यहाँ पे बी सी डी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी डी, बी बार सी बार डी बार, इस तरीके से बी सी डी बी सी डी बी सी डी। अब यहाँ पे बी सी डी, बी सी डी कोड नहीं है, यहाँ पे बी सी डी सेलेक्ट लाइन है। ठीक है, बी सी डी बी सी डी बी सी डी और बी सी डी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, तीनों पर बार, फिर 001, तो 001 हो गया, 010 010 010 के बाद क्या आता है, 100, तो 100 पे ये दोनों जीरो जाएंगे, 101। ठीक है, 110, एक मिनट ये गलत हो गया, 0 0 1 0 0 हाँ 0 1 1, तो यहाँ पे आएगा 0 1 1, तो भी ये हो जाएगा। उसके बाद 100 0 1 1 100 1 0 1। ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, तो देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 0 0 1 हुआ, अब क्या आएगा, 0 1 0 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 0 1 0, तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। 3 के लिए क्या जाएगा, 0 1 1, तो 0 1 1 के लिए क्या जाएगा, जहाँ पे हमारा 12 रहेगा यहाँ पे 12 नहीं रहेगा। ठीक है, सिमिलरली 4 के लिए यहाँ पे 12 रहेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, बाकी दोनों पे रहेगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 के लिए क्या हो जाएगा, 101, दैट इज इधर। 6 के लिए 110, दैट इज यहाँ पे। और 7 के लिए इधर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल किसी के ऊपर बार नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए ए बार और ए के लिए, अब देखिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या ए बार बी बार सी बार डी बार, उसको क्या लिखेंगे, 0। अब इसके लिए इधर देखिए, ए बार बी बार सी बार डी, दैट इज 0 0 0 1, तो 1 आ गया। इसके करिए तो ए बार बी बार सी डी, दैट इज 0 0 1 1, दैट इज 0 0 1 0, क्योंकि डी पे भी बार है, तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको सबके लिए करस्पॉन्डिंग लिख देना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको भी आप इनपुट लेंगे उसी करस्पॉन्डिंग इस तरीके से ही बनता है। और अब देखिए जो हमारे बचे टर्म्स, दैट इज 10 11 12 13 14 15, ये नहीं आ रहे हैं क्योंकि 9 के ऊपर वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए उसे नाम मार्क कर दिया डोंट केयर, क्या मार्क कर दिए, डोंट केयर टर्म्स नाम मार्क कर दिए। तो देखिए जब दोनों हाई हैं तो मैंने 1 लिख दिया, दोनों हाई हैं 1 लिख दिया, दोनों हाई हैं 1 हाई है, तो यहाँ पे देखिए जब डोंट केयर होगा, डोंट केयर में अगर 2 के करस्पॉन्डिंग आप ए बार नहीं लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे अगर डोंट केयर है तभी। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी मार्क नहीं है तब तो 0 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस एक्सेप्शन केस क्या है कि जब डोंट केयर है और यहाँ पे आपका 1 मार्क है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आप ए बार, आप इसको 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 सेलेक्ट हो रहा है बस और डोंट केयर है इसलिए। ठीक है, यही काम आपको बी के लिए भी करना है कि बी के जो जो हाई है वो, इसके बाद फिर वही बी सी डी एज ए सेलेक्ट लाइन, ये आप बी सी डी ये पूरा इस तरीके से डायग्राम जो है यहाँ पे लिखेंगे। मैं एक बार और साफ तरीके से लिख दे रहा हूँ, बी सी डी 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 और यहाँ पे आ जाएगा बी सी डी। ठीक है, तो बार बार बार, और उसके बाद फिर से बार है, बार है, और फिर बार बार, फिर इसके बाद 3 के लिए 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1 0, मतलब 100, और फिर 101 पे ये 110, ये हो जाएगा, और 111 पे कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो है टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी।
ठीक है, और जहाँ जहाँ पे हमारा हाई होगा उसको हम सर्कल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों हैं तो वन आ गया, दोनों हैं तो वन आ गया, यहाँ पे टू नहीं है और ना टेन है तो क्रॉस भी है तो जीरो आ गया। तो टेन के बाद, टेन से लेकर फिफ्टीन सब पे डाउन किया, क्योंकि टेन से लेकर फिफ्टीन के लिए बी सी डी कोड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सबके लिए हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से लिखा गया। बाकी जहाँ जहाँ पे सर्कल है उसको हमने वन 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 कर दिया है, ठीक है। यही काम आप सी के लिए भी करेंगे, डी के लिए भी करेंगे, ई के लिए भी करेंगे, एफ के लिए भी करेंगे, ठीक है, और आपका ये पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बस एक चीज़ सिखानी है कि जहाँ पे डोंट केयर नहीं है, जैसे कि अगर मैं ई की बात करूँ तो यहाँ पे डोंट केयर नहीं था तो नाइन के करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली आप ए लिख देंगे, ठीक है। बस ये चीज़ नोट करने वाली थी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहाँ पे डोंट केयर है और ये सिलेक्ट हो रहा है, जहाँ पे डोंट केयर है और यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, वहाँ तो हम इसके करस्पॉन्डिंग वन ही लिखेंगे, ए बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, या ए नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए ट्वेल्थ सिलेक्ट हो रहा है, ट्वेल्थ सिलेक्ट होगा ही नहीं, मतलब ये वाला अगर सिलेक्ट होगा तो हम ए बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग क्रॉस भी है तो इसलिए वन लिख दिया जाएगा क्योंकि वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो मेन पार्ट था जिसमें हमने इसके जो है टेबल बनाई। अब जो समझने वाली चीज़ है वो इसका लॉजिक डायग्राम। तो ये जो है हमारा इसका पूरा लॉजिक डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ, एक जो हमारा जो बी सी डी सेवन सेगमेंट डिकोडर है उसमें मक्स कैसे इंप्लीमेंट करा, मक्स एट क्रॉस वन का बनाया, एस नॉट एस वन एस टू इसकी सिलेक्शन लाइन हो गई और ए, ये हम ए के लिए मार्क कर रहे हैं। तो ए में देखिए आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री आई फोर और आई सेवन ये सब वन होंगे, लॉजिक वन अगर आप उसमें देखेंगे तो लॉजिक वन होंगे। अभी जो मैंने टेबल बनाई थी नोट्स में जाकर देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो लॉजिक जो है वो वन होगा, ठीक है। आई फाइव आई सिक्स किस पे थे, लॉजिक जो है वो जीरो पे थे। बाकी एस नॉट एस वन एस टू क्या है, बी सी डी सिलेक्शन लाइन है। इस तरीके से सबका बन गया। सिमिलरली यही काम बी के लिए भी, सी के लिए भी यही होगा। अब बी के लिए मान लीजिए देख लीजिए, बी को भी इस तरीके से बनाया गया है। अब कोई एक देख लें जिसमें ए सिलेक्ट हुआ है, तो देखिए सी वाले में ए आया होगा, तो इसलिए देखिए आई नॉट आई टू आई थ्री आई फाइव आई सिक्स ये सारे किससे कनेक्टेड है हमारे लॉजिक वन से। बाकी जो बचा आई टू, ये हमारा डायरेक्टली आई टू वाला कहाँ गया, ये आई टू ये गया है हमारा इस पे ए पे, तो आई टू जो हमारा ए था। सिमिलरली आप आई फोर और आई सेवन ये हमारे किससे गए, लॉजिक जीरो से गए, तो लॉजिक जीरो पे कनेक्ट कर दीजिए। बाकी एस नॉट एस वन एस टू क्या है, सिलेक्शन है, तो बी से कनेक्ट करा, सी से कनेक्ट करा और डी से कनेक्ट करा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो किस तरीके से आपका बनेगा। तो ए बी सी डी ई एफ सब के लिए आप बना देंगे और जी तक के लिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लॉजिक डायग्राम और यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इतने क्वेश्चन में नहीं रहा होगा जो मैंने अभी तक डिस्कस करे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कहा था फुल सबट्रैक्टर, ठीक है, वो यूजिंग द नैंड गेट्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी हमारा एटीट्यू एग्जामिनेशन में आ चुका है 10 मार्क्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैंने उसको सोचा था एंड में लूंगा, तो अब उसको समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, इंप्लीमेंटिंग अ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। तो हमें पता है डिफरेंस का एक्सप्रेशन सबट्रैक्टर के लिए क्या आया था, फुल सबट्रैक्टर के लिए एज और बीस और सी, और बोरो का एक्सप्रेशन आया था ए बार बी प्लस सी ए एक्स और बी के ऊपर बार, यही आया था, ठीक है। अब ए एक्स और बी के ऊपर बार को आप ए एक्स और बी भी लिखोगे, लेकिन हमने वैसे नहीं लिखा, हमने लिखा ए एक्स और बी के फॉर्मेट में, क्योंकि अभी हमें उसी का यूज़ कर पढ़ने वाला है। तो देखिए इस पूरे को जो है हमें बनाने में नाइन जो है नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और नाइन नैंड गेट्स की जो हमें रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ये तो क्लियर हो गया, ये आपने देख लेंगे, ठीक है, नोट से देख लीजिएगा वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे इसको शिफ्ट करता हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम होगी आपको दिखाने में, तो अगर आप नोट्स का सेक्शन अगर खोल के रखेंगे तो वहाँ से आपको वो क्लियर रहेगा। तो अभी देखिए ए बी सी, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं इनपुट्स हैं ए बी सी, तो हमने ए बी सी तीन पिंस ले ली। अब यहाँ पे नाइन गेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो सारे गेट्स को हम पहले पहले करके एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि पूरी सर्किट हमें जो है आउटपुट वही दे रही है। तो पहले जो मैंने हमने नाइन गेट बनाया है, इस नाइन गेट से हमने क्या बना ए बार ए डॉट बी का बार बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक ए से पिन निकाली जो हमारी एक और नाइन गेट पर गई, जहाँ से हमारा ए डॉट ए बी बार इसके साथ एंडिंग हो गई, ठीक है, और इस पूरी के ऊपर बार आ गया। सिमिलरली यही मैंने एक यही इंपोर्ट हमने इधर भी दिया है तीसरे नैंड गेट पे, तीसरे नैंड गेट को बी के साथ हमने डॉट कर दिया, तो बी डॉट ए बार बी, इतना काम हो गया। पहले तीन गेट्स आपको समझ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं चौथे गेट पे। चौथे गेट पे टू और थ्री के इनपुट्स गए, टू और थ्री के इनपुट्स करने के बाद क्या मिला ए डॉट ए बार बी बार, ये इस पूरे का इसके साथ डॉट हुआ होगा, इस पूरे का डॉट इसके साथ हुआ होगा और फिर से ऊपर के ऊपर बार लग गया होगा, कॉमन सेंस। तो अब देखिए फोर्थ गेट को समझ ले रहे हैं, तो फोर्थ गेट को समझ लिया, तो मैंने कहा ये लग गया होगा, ये लग गया होगा, डॉट हुआ होगा, इस पूरे के ऊपर बार लग गया होगा कि नैंड गेट लगा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो हमने क्या करा, इस पूरे को क्या करा, डी मॉर्गन लॉ का इस्तेमाल कर दिया, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन का अपोजिट चला। हमने कहा कि भाई साइन को चेंज कर दो, ब्रेक मत करो लाइन को, तो साइन तो हमने क्या करा, ब्रेक नहीं करा, मतलब लाइन को जोड़ दिया और इधर प्लस में कन्वर्ट कर दिया। और अगर तोड़ते क्या होता है, इसका अपोजिट ही तो होता, लाइन तोड़ते डॉट आ जाता, ठीक है। तो हम इसको जस्ट अपोजिट करके चले फोर्थ गेट पर, तो ए डॉट ए बार बी, अब ये डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से कैंसिल हो गए, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ या इन्वोल्यूशन लॉ जिसे कहते हैं, कैंसिल हो गए। तो ये माना ए डॉट ए बार बी बार, ए बार ए डॉट बी होल ऊपर बार प्लस बी डॉट ए बी होल बार, ठीक है। ए अब क्या करा हमने, अब देखिए अब समझने वाली चीज़ है, अब यहाँ पे हमने साइन को छोड़, मतलब जो है हमारा लाइन है उसे हमने ब्रेक कर दिया और साइन को, मतलब साइन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, और यहाँ क्या बन जाएगा, बी ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार, क्लियर है। ये बन जाएगा ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। अब ये बन गया जीरो, अल्जेब्रा की प्रॉपर्टी से ए डॉट ए बार जीरो होता है, बी डॉट बी बार भी जीरो हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा किस सेक्शन बन गया, ए एक्स और बी का, तो यहाँ से हमें मिल गया ए एक्स और बी, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है फोर्थ गेट का ए एक्स और बी। अब देखिए
अब यहीं से जो हमारा इनपुट था, यहाँ से जो हमारा इनपुट था बी डॉट ए बार बी का, ये हमने इधर से निकाला है और ये हमारा गया है नाइन्थ गेट पर। अब हमें अगर हमें इससे ऊपर के इनपुट्स को एनालाइज करना है तो पहले मुझे 5, 6, 7 के वर्किंग को समझना पड़ेगा, फिर मैं 9th तक पहुँच पाऊंगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि 4th पे क्या हुआ, 2 पे क्या हुआ, 3 पे क्या हुआ, 1 पे क्या हुआ, और यहाँ से हमने इनपुट्स दे दिया 9th पे। अब समझते हैं 5th को। तो ये हमारा ए एक्स और बी गया और ये एक्स और बी अब जो है वो सी के साथ भी गया, तो सी डॉट ए एक्स और बी ये हो गया, तो ये हमारा 5th के साथ आया। अब ये गया 6th के ऊपर, मतलब इस पूरे का डॉट हुआ इसके साथ, एक तरीके से इस पूरे का डॉट इसके साथ, और फिर डॉट पूरे के ऊपर 12 आ जाएगा, वही मैंने लिख दिया है। तो अभी इसको 6th वाले गेट को भी हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं 7th वाले गेट के ऊपर, तो 7th वाले गेट को समझते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अभी जो 7th वाला गेट है इस पर सी का इनपुट आया, सी का इनपुट, और ये सी मतलब ये वाला जो 5th गेट से इनपुट आया और ये सी डायरेक्टली गया, तो सी डॉट ए एक्स और बी के ऊपर 12। अब इन दोनों का इनपुट जो है, इन दोनों का इनपुट जो है ये गया 8th गेट पर, और इन दोनों की हमारी क्या हो गई सॉल्विंग करके ए एक्स और बी एक्स और सी, तो हमें किसका एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू सम, यू सम का एक्सप्रेशन आ गया। और अब ये जो 7th से आउटपुट आया था वो आउटपुट हमने 9th में फीड कर दिया, जो इससे पहले बी डॉट ए बार ए बी बार होल बार के ऊपर जा रहा था, यहाँ से हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया सी डॉट ए एक्स और बी के ऊपर बार प्लस ए बार बी। अब ये कैसे मिला, तो हम पहले 8th वाले गेट को समझ ले रहे हैं फिर 9th वाले गेट को समझेंगे। तो पहले 8th वाले गेट को समझते हैं, देखिए यही मैंने लिखा हुआ था ऊपर, इसका इसके साथ डॉट और फिर ऊपर बार। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो फिर वही है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो अपोजिट डी मॉर्गन लॉ है वो इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, लाइन को ज्वाइन कर दिया, अब ये डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये पार्ट समझते हैं। तो ये हो गया ए एक्स और बी सी डॉट ए एक्स और बी प्लस ये आ गया स्टेप समझ में। आगे बढ़ते हैं इस स्टेप पे, तो ए एक्स और बी सी बार, अब यहाँ पे मैं अगेन वही ब्रेक द लाइन चेंज साइन जो हमने 4th गेट में करा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, अब ये देखिए ये तोड़ दिया, अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये सी बार रहेगा, ये एक्स और बी बार रहेगा। ठीक है, आगे प्लस, अब इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी डॉट सी बार जीरो हो गया और सी डॉट ए एक्स और बी होल बार इस तरीके से लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ ए एक्स और बी डॉट सी बार आ जाएगा, तो ए एक्स और बी डॉट सी बार लिख दिया। अब इसका इसके साथ करेंगे, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, मतलब ए एक्स और बी का मल्टीप्लाई ए एक्स और बी के बार से, ये कुछ नहीं है, अगर मैं ए एक्स और बी को टी मान लूँ तो ए एक्स और दैट इज टी डॉट टी बार ही तो हो रहा है, क्लियर है, और टी डॉट टी बार क्या होता है, जीरो ही तो होता है एक तरीके से, अभी तो देखा ए डॉट ए बार जीरो, तो बस इसलिए हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। प्लस सी डॉट ए एक्स और बी, अब देखिए सी बार ए एक्स और बी और सी डॉट ए एक्स और बी ये बन गया तीनों का क्या, कैसे बना, तो बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पे ए एक्स और बी को टी मान लें तो ये क्या बन गया, ए एक्स और बी को टी मान लिया, तो सी डॉट टी प्लस इसको क्या लिखूंगा, सी डॉट टी बार, और ये किसका एक्सप्रेशन होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार दैट इज सी एक्स और टी, और सी है क्या, सी तो यही है, और टी की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स और बी, तो वही एक्सप्रेशन बन गया डिफरेंस का। तो ये तो हमें 8th गेट से मिल गया। अब 9th गेट को समझ लेते हैं, 9th गेट पे क्या हुआ है, इसका और इसका एंडिंग हुई है और पूरे के ऊपर बार लग गया, डॉट हो गया, पूरे के ऊपर बार आ गया। अब इस बार को हटा दीजिए, बार को हटाने के बाद मतलब वही प्लस प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बार ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ से। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगेन फिर इधर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इधर भी ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, अगेन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा सी डॉट ए एक्स और बी, ये जगह बी डॉट ए बार, बी डॉट बी बार, ये सी डॉट सी बार, ये कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, बाकी अब जो ये बचा वो ये इधर बन गया सी डॉट ए एक्स और बी प्लस ए बार बी, ये हमें मिल गया बोरो का एक्सप्रेशन। तो ये हमने सीख लिया किस तरीके से हम फुल सबट्रैक्टर से यूजिंग ओनली नैंड गेट जो हम डिजाइन करेंगे, ये इसका एक आइडिया आपको लग गया कि किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हल्का सा आपको डायग्राम जो एक बार आप रिमेंबर करेंगे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए के टू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिस्कस करें हैं। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर इसके अलावा मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो मुझे इसमें देना है और तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। फिलहाल वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल यूनिट 2 ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेकंड ईयर सब्जेक्ट। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा फ्रीली बिल्कुल। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।